हाय दोस्तों, ए टू जेड बाइक रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सारा आपका बैलेंसर टाइमिंग का सारी गरारी वरारी पड़े हैं और आपका बैलेंसर किस तरीके से टाइमिंग मिलाया जाता है सारे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। और टाइम मिला तो मैं क्लच भी पैक करके आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी इसका मैंने फुल इंजन करा है तो टाइम मिल नहीं पाता वीडियो बनाने के लिए। तो क्या करें, आपको दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, क्योंकि बहुत बंदों ने, बहुत भाइयों दोस्तों ने कंप्लेंट किया था। और चलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कौन सी गरारी, कौन सी प्लेट कहाँ लगेगी, किस तरीके से लगेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताना भूल गया था, जो कमेंट में भी लिखा हुआ आ रहा था, कह रहे थे भाई लोग आप जरा इसके क्लच के टाइमिंग की जरा वीडियो बना दो और पूरा फुल इंजन का। लेकिन क्या करें, टाइम दोस्तों मिल नहीं पाता, जब इंजन खुलता तो थोड़ी बहुत टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि सारी गरारी उरारी सब पड़ी है, कैसे कहाँ लगाना है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं निशान, ये टाइमिंग का हो दोनों, और कुछ इस तरीके का भी है इसमें, जो आपके करंग के उसमें लगेगा उसमें भी ये टाइमिंग का ये बिंदी जो दिया हुआ है। तो कौन सा वार्सल, कौन सा भोगली, कौन सा बूथ सब कहाँ लगता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के द्वारा। पहले आप देख सकते हैं साइज बाई साइज, मैं ज़रा कुछ ढूंढ लूँ सामान। ये देखिए, इसमें बड़ा छोटा दिख रहा है, तो ऐसे इसी अनुसार ही आपको, एक तो आपको बैलेंसर वाले में लगाना है, आप चाहे इधर पलट के भी लगा सकते हैं, चाहे आप इधर की तरफ से भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से सेम है। तो आप देख सकते हैं पहले बैलेंसर में मैंने लगाया, और ये इस तरीके से वाला, इसमें दो तरीके बुश लगता है। तो ये जो बुश मैं लगा रहा हूँ इसमें, ये बगैर काटर वाली है, प्लेन है, इसको भी दाएँ बाएँ किधर से भी आप लगा दें, देख सकते हैं। और देखने के बाद जैसे कि ये गरारी आ गई, उसके बाद ये यहाँ, उसके बाद ये गरारी लगेगी, इसमें कोई वार्सल वार्सल नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। और जैसे कि आपकी ये रही, एक है कट वाला, एक है विदाउट कट वाला, तो जो नीचे लगेगा वो विदाउट कट वाला लगेगा दोस्तों। और जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से निशान भी होगा, जैसे कि पुराने दिन हो जाएंगे, तो आप देखें साफ़ करने भी नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल उजल से भी धोया गया है। एक देख सकते हैं कट लगा हुआ है एक निशान का, तो यहाँ काटर पर लगेगा, आपको दिखाने के लिए बताया, चाहे आप इधर से भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या है, जब ये कंपनी से लगी हुई है तो आप इधर से भी लगा सकते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ लग चुका है, उसके बाद यहाँ एक काटर लगेगा, जैसे कि ये देख सकते हैं छोटा सा है, और लगाने से पहले सेफ्टी का सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखें, जब काटर वाटर लगाएं तो जैसे कि ये खुला हुआ है तो इसके अंदर नाक चला जाने, फिर आपको दोबारा इंजन खोलना पड़ जाएगा। तो मैं काटर अभी बाद में लगाता हूँ, और उसके लिए मैं इस गरारी का प्रयोग करता हूँ। ये देखिए, इसमें भी काटर एक लगेगा इस तरीके से, यहाँ एक काटर। अब जो, हाँ बताना भूल गया मैं आपको, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है कुछ पार्ट्स, और ये जो बिंदी है ये ऊपर की तरफ रहेगा, जब भी आपको पता चलेगा हाँ ये टॉप पर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं बैठ गया है। और उसके बाद इसका जो काटर है ये बड़ा वाला, ये देख सकते हैं, उसके बाद इसे लगाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से लग गया है, ये आपका कहीं आप जा नहीं सकता ना आ सकता है। तो अब यहाँ हो चुका, अब उसके बाद आप आ गए, क्योंकि देखिए पहले मैंने वार्सल तो लगा ही दिया है, अब काटर लगाना रह गया है। तो काटर में एक बार देखता हूँ ऊपर से लग जाएगा कि नहीं लगेगा, ये पहले टॉप पर मिला लूँ, और टॉप पर मिलाने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, थोड़ा इसमें फंस रहा है, इसकी गरारी के बीच में ही जाएगा जब ये बैठेगा, तो अभी ये बैठ नहीं पा रहा, तो मैं इसे बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी एक बार, एक मिनट मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर अभी दिखाता हूँ दोनों हाथ से, क्योंकि मेरा एक हाथ तो कैमरा में फंसा हुआ है, दूसरा हाथ लग नहीं पा रहा, तो मैं अभी एक भाई को देता हूँ, तो वो अभी ये करते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं निकालना पड़ रहा मुझे दोबारा, ये इसमें काटर लगाना है, आपको बताया था दोस्तों काटर के लिए, तो ये काटर लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से काटर लग चुका है,
और जो इसमें पहले से काटर लगा हुआ है इसे निकाल देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा लगाने में क्योंकि जाम वाम नहीं जाएगा। और इसे स्टोव को जब टाइमिंग मिलाएंगे तो सबसे पहली चीज़, अरे आ जाए यार, ऑफ हो गया है, ये देख सकते हैं काटर लगा रहा हूँ दोबारा। अब क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें टाइमिंग का सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ फेस टू फेस, ये जो देख रहे हैं बिंदा आप, कभी कभार ये भी खुल जाता तो आपको लगाने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये क्योंकि ये जो बिंदी है इसके एकदम तीनों सीध पर रहना चाहिए, एक दो तीन, कभी कभार निकालते समय भी खुल जाता। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों, आगे पीछे दाएं बाएं सब मैं घुमा के दिखा रहा हूँ। अब ये काटर घुस चुका है और घुसने के बाद, और आप इधर भी देख सकते हैं, उसके बाद ये बुश लगाएंगे इस तरीके से। और बुश लगाने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें एक इस तरीके से प्लेट लगेगी, और क्यों प्लेट लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जो इसके पीछे जो स्प्रिंग है वो पकड़ ऐसे, अरे यार ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग ना निकल के जाए इसलिए इसको प्लेट को लगाया जाता है ऊपर और नीचे, आप कभी टेंशन में मत लेना। और उसके बाद जो काटर ना निकले तो इसके लिए इस टाइप का एक वार्सल होगा, इस टाइप का एक वार्सल होगा, ये काटर ना निकले, ऊपर करके दिखाओ इधर लाओ सर, इधर ऐसे ये देख सकते हैं काटर अंदर ही आपका रहे तो यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। हाँ ठीक है दोस्त, और उसके बाद आपका एक ऐसा नट रहेगा इसे लगा देंगे आपका इस तरीके से दोस्तों, टाइमिंग बैठता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद ये जो आपकी गरारी है देखिए इस तरीके से कुछ निशान पड़ा होगा जैसे कि बाहर की तरफ में, अभी यहाँ दिख नहीं पा रहा इस टाइप का, तो निशान है तो ये बाहर की तरफ रहेगा मतलब ऊपर की तरफ, और जैसे कि देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है ये भी बाहर की तरफ रहेगा, तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको किसी भी खांचे में भी लगा देंगे, क्योंकि अभी जो मैंने इसमें काटर लगाया हुआ है थोड़ा जाम जा रहा, तो अभी मैं हल्का सा इसमें दबाऊंगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसा बैठा हुआ है, कैसे किस तरीके से बैठाना है आपको। उसके बाद इसके ऊपर एक वार्सल लगेगा क्योंकि देख सकते हैं इसमें निशान बना हुआ है एक वार्सल का, तो यहाँ पर रखा हुआ है ये वार्सल, तो ये देखिए साइज में पूरा बैठ चुका ना, तो इस तरीके से आपको लगाना है। और उसके बाद आपका नट होगा, आप नट लगा लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कुछ चीज़ और बता देता हूँ कहीं बाई चांस आप भूल जाएँ, तो इसके जब यहाँ लगाएंगे तो एक वार्सल लगेगा, यहाँ एक वार्सल लगेगा इसके पीछे, फिर बुश लगेगा, फिर वार्सल, फिर लॉक लगेगा, तो इस तरीके से लगेगा इसमें, क्योंकि दोस्तों किक है नहीं वर्जन 2 है ये, तो आप किक भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पत्ती लगेगा, इसका सापट लगेगा, यहाँ गरारी लगेगी, जब जाके आपकी किक भी काम करने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ लग चुका है, अभी मैं इसका क्या है ऑयल पम्प गरारी जो है उसको लगाऊंगा इसे साफ करके। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं क्योंकि गरारी है, अब गरारी को किस तरीके से लगाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो बोल्ट लगा हुआ है तो इस खांचे में आप इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये जो गरारी है ऑयल पंप को घुमाने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ आप चेक कर लेंगे क्योंकि फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो मैं ज़रा इसे घुमा फिरा कर दोनों तरफ से घुमा कर चेक करूँगा, कहीं गलती से इधर उसे उधर लग जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो आप घुमा फिरा कर इसे चेक करें कहीं कोई प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप उल्टा लगाएंगे तो ये जो इसकी क्या नाम है फेस है नट टाइट करने का वो लगेगा नहीं, तो मैं वही चेक कर रहा था अभी। तो उसके बाद मैं अब इसको पलट देता हूँ, पलट के उसके बाद लगाया, तो अब देख रहा हूँ इसका जो फेस है वो आ चुका है, तब लगाते हैं नटवट। ये जैसे ये देख सकते हैं इसमें ये रहा दोनों एलंकी 3 नंबर वाली, वो टाइट करूँगा फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसका दोस्तों आपका जो नट है उसे पहले आप लगा लेंगे इसमें ऑयल पंप में,
धैर्य से काम करना है दोस्तों, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना। जब तक हम लोग हैं, हम जैसे भाई लोग, आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, और जो समझ में भी ना आए आप कमेंट में फ़ोन नंबर भी मांगे तो फ़ोन नंबर भी दे दूंगा मैं आपको, आप उसके द्वारा भी पूछ सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, मुझे एडिटिंग करने नहीं आती ना वीडियो में, तो इसलिए मेरी बढ़िया वीडियो बन नहीं पाती। और मेरे पास है फ़ोन, कैमरा स्पेशलिस्ट ले नहीं रखा हूँ, बस एक कोशिश रहता है आप लोगों को हर एक पार्ट दिख जाए, पार्ट ना दिखता है तो मैं इसलिए नंबर भी बता देता हूँ कि क्या नंबर की कौन सी एलंकी कहाँ लगेगी, क्योंकि आपको बाद में कभी परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कहते हैं आप लोग नंबर बताते भी हो तो बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ी बहुत मुझे भी खुशी होती जब कोई तारीफ करता है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों नट टाइट करते हैं, और नट टाइट करने के बाद, क्योंकि आपने देख ही लिया पूरा टॉप भी है, और नट टाइट करने के बाद फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, और वीडियो क्या दिखाता हूँ, कंटिन्यू चलने देता हूँ। आप देख सकते हैं उसको ये वार्सल लगाएंगे, यहाँ पर जो उभरा हुआ वाला हिस्सा है यहाँ लगाएंगे, आपका यहाँ हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर लगाने वाला बुश लगा लेंगे, देख सकते हैं बुश लग गया, उसके बाद आप वार्सल लगा लेंगे, और उसके बाद आप लॉक लगाएंगे, जरा लॉक प्लास दो, लॉक प्लास का प्रयोग करेंगे, उपयोग या प्रयोग, देख सकते हैं इसे घुमा के भी ऐसे चेक कर लेंगे, क्योंकि बुश में बैठ गया कि नहीं, और बुश को भी ऐसे हिला के चेक कर लेंगे, क्योंकि जो गरारी होगी ना तो उसके साथ में आपका क्या आएगा, एक वार्सल भी आएगा, क्योंकि जब हम किक वाला यहाँ लगाएंगे तो गरारी जब घूमती है ये, क्योंकि ये घूमेगा नहीं दोस्तों, ये बस क्या है सापट को अपने रोक रखेगा। तो आपका ये हो चुका है, और इसके बाद आप क्या लगाएंगे इसका कटोरा, इसको कैसे दिखाओ, जिसको कहते हैं क्लच होजिंग, देख सकते हैं इस तरीके से लगेगा, और ये जो गरारी में है आपका यहाँ बैठेगा, आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि जब ये आपकी गाड़ी चलेगी जब भी क्लच काम करेगा ये सारा नट टाइट होगा, ये नट टाइट नहीं हुआ दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये भी नहीं टाइट हुआ, लेकिन मैं टाइट कर दूंगा इसको, और इसके बाद इस टाइप का एक वार्सल होगा, तो इसको इधर से आप पलट के लगा देंगे, आप देख सकते हैं ऐसे फ्री घूमना चाहिए, और उसके बाद यामा कंपनी का सारा क्लच प्लेट, हब सेंटर, प्रेशर प्लेट, सारा चीज़ है, तो हर चीज़ का MRP मैं दिखा देता हूँ, 887 रुपये आपकी, सेंटर की आपकी है 140 रुपये, और क्योंकि दोस्तों ये तो पुराना पैकेट है, अब जो नए आ रहे हैं सारे पैकेट इस तरीके के आ रहे हैं, और प्रेशर प्लेट है आपका 123 रुपये का, और दोनों जो क्लच प्लेट है दोनों का अलग अलग होता है, एक है 330 रुपये का और दूसरे का है 274 रुपया, तो इस तरीके से सारा रेट और सब लिखा हुआ है इस वीडियो में। और इसमें दोस्तों क्लच प्लेट 4 होती है, प्रेशर प्लेट 3 होती है, आप देख सकते हैं 330 वाले में इस तरीके का आपका निकलेगा, जो एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, और 274 वाले में आपका इस तरीके का निकलेगा, दोनों में देख सकते हैं फर्क कितना है, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे वाली जो है ये सबसे महंगी आती है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों सपोर्ट करती है, ये आपका बीच में क्या रहेगा FCC वाली, फिर मतलब इसे प्रेशर प्लेट को साथ लेकर चलती है, तो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट आपको दोनों में दिखाऊंगा किस तरीके से साथ लेकर चलती है, किस तरीके से काम भी करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है क्लच प्लेट, और ये है आपका लोहे वाला प्रेशर प्लेट, और इसके अंदर
आप देख सकते हैं ये सेंटर है, किसी में तीन कट का आता, किसी में चार कट वाला आता, तो हमने क्या इसमें चार कट वाला है। और कहा गया ये आपका हब है जो, अरे साला ₹287। और ये सब लगाने से पहले, ये सारी चीज़ लगाने से पहले आपको ये लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप वार्सल देख सकते हैं, वार्सल लगा हुआ है। उसके बाद इस तरीके से लगाएंगे, और लगाने के बाद कौन सा वार्सल उठा के दिखाइए इसमें, ये देख सकते हैं इस तरीके का आपका लगेगा। ये जो कट है ये यहाँ पे लगेगा, ये आपका यहाँ लग गया दोस्तों। अब इसको टाइट करने के लिए मैं कूलर का प्रयोग करता हूँ, रोक लो आपका क्लच कूलर भी बोलते हैं हम लोग अपने अपने लैंग्वेज में, लोग क्या क्या बोलते हैं वो तो अलग चीज़ें, लेकिन हमारे जो जो मुझे पता है मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको हमारे लैंग्वेज में क्लच कूलर बोलते हैं। इसको टाइट कर लेंगे, आपके पास स्प्लेंडर वाला भी हो तो थोड़ा ठोकना पड़ेगा जब जाके इसमें लग जाएगा चार खाँचे वाला, लेकिन जो पर्सनल इन लोग इस चीज़ों के लिए बना है और हाथों हाथ इसे भी टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जो नट आपका ये जो ढीला है ये भी सारा टाइट कर लूँगा अभी इसी वक्त, दिक्कत ना हो। धीरे धीरे हल्का फुल्का टाइट कर ले रहा हूँ, उसको मैग्नेट खुला हुआ उसको उधर से मैं टाइट कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, इसे भी टाइट हो गया, और टाइट होने के बाद इसमें लॉक दिया हुआ है। आप इस चीज़ को थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर, अब इसको मैं इसको यहाँ लॉक लगा देता हूँ, कभी नट खुले ना ये, हाँ ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ लॉक लग चुका है, और ये एलंकी वाली बोल्ट भी टाइट हो चुकी है। अभी ये सब टाइट भी कर लेना अपने तरीके से, जहाँ से आपको सुविधा अच्छा लगे, मैं तो मैग्नेट की तरफ से करूँगा टाइट। और उसके बाद इसका ये रोड है, आप कभी कभार क्लच काम नहीं करता बंदों को क्या आता है, यहाँ से ये घिस जाता है, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं अभी ये चलने लायक है। और जब आप कभी खोलें तो इस रोड को भी चेक कर लें, कहीं ज़्यादा तो नहीं कटा हुआ है, तो अभी चलने लायक है इस रोड को। तो इसमें इस तरीके से डालेंगे, आप देख सकते हैं, और डालने के बाद इसके अंदर एक गोली आएगी। गोली कहाँ है, ये रहा गोली दोस्तों, तो ये गोली डाल देंगे। अब ये गोली डल चुका है, और इसे निकाल लेते हैं, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पैक करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली क्लच प्लेट पैक होगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रेशर प्लेट लगेगा इस तरीके से, और जो आपका 274 वाला था उसके बाद आपका 274 वाला लगेगा, फिर एक प्रेशर प्लेट लगेगा, आप किधर से भी लगा देंगे आपका क्लच प्लेट वैसे काम करेगा, दोनों 274 वाला बीच में रहेगा, ऊपर नीचे 330 वाला रहेगा। लेकिन जो लिखा हुआ सिरा रहता है मैं उसे बाहर करता हूँ दोस्तों। आप इसमें देखिए रोड भी डल चुका, गोली भी डल चुकी है, उसके बाद आपका क्या रह रहा है, सेंटर। और सेंटर में सबसे पहले ये चीज़ लगाना पड़ेगा जो आपका काम करे, देख सकते हैं। तो इसको आप जो नट है वार्सल है ये बाहर की तरफ रहेगा, ये इस तरीके से लगेगा, इसमें कट लगा हुआ है, ये क्लच एडजस्टिंग है, और यहाँ ये बाहर आ चुका है,
इसमें चार मुंह का पेचकस वाला भी निशान बना हुआ है, प्लस वाला, इसमें आप पेचकस भी एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं लग चुका है, और लगने के बाद आप कहीं से बैठा दें, और बैठाने के बाद थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े होकर दिखाओ उधर से, ये आप देख सकते हैं ये दबाने के बाद काम कर रहा है कि नहीं, देख रहे हैं बाहर आ रहा है, यहाँ यहाँ दिखाओ, यहाँ ये देख सकते हैं बाहर आ रहा है, क्योंकि ये इधर जो कैम है, इधर इधर दिखाओ, जो क्लच कैम है आपका, ये जब उठाएंगे तो ये जाके बाहर आएगा ऐसे। तो अभी ये हमारे इधर से पूरा काम कर रहा है, और उसके बाद इसकी स्प्रिंग लगाएंगे, चारों स्प्रिंग लगा देंगे आप इस तरीके से। और ये सब कटोरा टोरा लगाने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो गियर सापट है आप उस चीज़ को लगा लेंगे, जब भी आपका लगेगा सोचेंगे आप सब कुछ क्लच पैक कर लो उसके बाद लगाओ, फिर नहीं लगेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप 10 नंबर का ये चार इस तरीके से आपका होगा, क्योंकि देखेंगे इसमें वार्सल आपका निकलेगा नहीं, इसी में इंस्टॉल रहता है, तो इस तरीके का आपका 10 नंबर का लगेगा बोल्ट चार। दोस्तों ये चारों आप बारी 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 टाइट कर देंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे करके, मतलब अगल बगल वाला। और इसमें दोस्तों एक चीज़ की और खासियत है, जब ये आप टाइट करते हैं ना तो आपका जो क्लच प्लेट है प्रॉपर, ये जो नीचे वाला हब होता है ये उठ के आके एकदम सेंटर ऑफ क्लच प्लेट के बीच में एकदम फुल टाइट होता है। और सेकंड चीज़ क्या है, जैसे कि आप ये मान लीजिए इसमें ये तो विदाउट सेल्फ वाली है, सॉरी विदाउट किक वाली है, तो आपको किक भी लगाना है तो कोई ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आपको लेके आना पड़ेगा शोरूम से, सापट ले लेंगे, गरारी ले लेंगे, यहाँ की पत्ती ले लेंगे और यहाँ की गरारी ले लेंगे, ये जो गरारी है आपका जो कटोरे का होजिंग है उसमें जाके लगेगा, तो जब आप किक मारेंगे तो जाके आपका क्लच घूमेगा तो करंट को घुमाएगा, करंट को घुमाएगा तो जाके करंट पावर जनरेट करेगी। अरे चौधरी बड़ी क्या कर रहा है दोस्तों, यामा कंपनी वैसे बनाती नहीं है हब सेंटर, FCC से इन्होंने हायर कर रखा है, जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको FCC दिख जाएगा, थोड़ा दिखाओ, हाँ, तो कहीं आप लोग सोचे कहीं FCC की भी डाल रहे हैं, तो इसमें ब्रांड भी होता है FCC वाले भी, तो FCC का भी आप डाल सकते हैं कहीं आपको। तो पहले ये जो जाली आपकी, आप जाली भी चेक कर लेंगे, इसमें कुछ गंदगी वंदगी है तो नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं वो भी कर देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं कितनी गंदगी है, ये गंदगी होना नहीं चाहिए, तो आपको या पेट्रोल हो या डीजल हो या कपड़ा हो किसी से भी आप साफ़ कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं कितना साफ हो गया, क्योंकि ये जो गंदगी रहेगी जो तेल ऊपर जब चढ़ाएगा नहीं तो आपका जो वाल होगा वो जल्दी कट जाएगा, लेकिन इतने से कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन अभी खुला हुआ है तो आप साफ़ कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बार बार इंजन खुलता नहीं है। और आप इस तरीके से लगाएंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना इस वीडियो को, क्योंकि कोई समझ में ना आया तो आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं, जब अभी अब मेरे पास अब कुछ नहीं रहेगा, बस क्या कवर लगाना है, आप देख सकते हैं बस कवर लगाना, बस इसके क्या पैकिंग में साफ करना है, और आपका एक चैम्बर इधर पड़ा हुआ क्लच का, अभी उसे लगा लेते हैं। और सबसे पहले इधर मैग्नेट की तरफ कुछ नट बोल्ट अभी टाइट नहीं है, उसे टाइट करके मैं फिर चढ़ा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करना अपने भाई को, चैनल को A to Z बाइक रिपेयर को। थैंक यू एवरीवन। उसके बाद फ्रेंड से पैकिंग लगा लेंगे, पैकिंग लगाते समय जो भोगली है दोनों भोगली लगाएंगे, जो आपका चैम्बर आउट और इनपुट ना हो, मतलब आउटसाइड ना हो, कभी भाग ना जाए, भोगली इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका जो बैलेंस है प्रॉपर बना रहे, क्योंकि जब नट बोल्ट हम टाइट करेंगे तो क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें भोगली नहीं होती है, तो उसमें दोस्तों उसके बाद जब आप ये लगाएंगे तो खासकर इस सील का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे ध्यान रखेंगे, ये आपका ख़राब होगा तो आपका करंट भी सीज मार सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सील का बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको ध्यान रखना,
ये तो अब कुछ इसमें है नहीं, सारा चीज़ टाइट कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं इसकी पत्ती भी बैंड हो गया, सारा चीज़ हो गया, ये भी टाइट हो गया है और स्टॉपर भी लग चुका है, वाइल पंप गरारी भी हो गई है, वाइल फिल्टर का जो जाली हो भी साफ हो चुका। अब इस तरीके से आपको लगाना है। देख सकते हैं बैठ गया आराम से, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा। उसके बाद आप इसमें ऑयल फिल्टर लगा देंगे साफ करके, और जैसे आपके पास पैकेट जैसे कि सब लगा देंगे। तो इसी